अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है 6 का और मैं उठ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। वो अरबी का पढ़ने चले गए हैं। मैं नमाज़ पढ़ के उन्हें अरबी का भेज देती हूँ और फिर अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। जैन अभी छोटा है, वो अरबी का पढ़ने नहीं जाता और अरहम वो सो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ और मैं नाश्ता भी बनाने लगी हूँ। बहुत सर्दी आज हमारे इधर धुंध पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अरहम सो रहा है और मैं हमारी गैस चली गई है। हमारी गैस 6 बजे चली जाती है तो सिलेंडर भी बनाना होता है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर आ गई। और मैं अपने किचन में जाती हूँ, दिखाती हूँ। ये मैंने आटा गूंद लिया तो ये देखिए हमारे चूल्हे बंद है, बस चली गई है गैस। और ये मेरी चाय बन रही है। ये देखिए मैंने चाय नीचे बैठ के बनाना होता है ना, क्योंकि गैस तो चली गई, सिलेंडर नीचे रखना होता है। कुछ ये ऊँची है, अगर सिलेंडर ऊपर रखूँगी तो फिर ये ना बहुत ऊँचा हो जाता है। इस वजह से मैं नीचे बना के बैठ के पका लेती हूँ। यहाँ से पेड़े लेंगे और घी की बाल्टी लेनी है, क्योंकि दराज तो बने नहीं ना हुए, तो इस वजह से सब कुछ नीचे पड़ा है। और जितनी देर में मैंने नाश्ता बनाना होता है ना, कभी कभी वो मेरे साथ उठ जाता है और कभी कभी वो बस मेरे, मगर मैं नाश्ता बना लूँ तो बाद में उठता है। तो इस वजह से अभी तो उठा नहीं है उसने, बस डब्बों की खैर नहीं है, कभी ये चीज़ उधर कभी ये चीज़ उधर। और ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया, आटा गूंद के मैं डब्बे में रख लेती हूँ। चाय बन प्याली यहाँ से निकालूं, उन्होंने दोनों ने उठ के फिल्टर मांगे कि बस फिल्टर में चाय डाल दो, चाय डाल दो। तो पास रख लेती हूँ ना, तो जब उठने में चाय डाल देती हूँ कि ठंडी हो जाएगी। गैस चली गई है और ये नीचे सिलेंडर पे बना रही हूँ, क्योंकि हमारी रोज़ सुबह 6 बजे गैस चली जाती है। सर्दी आ गई है ना, इसकी वजह से हमें सुबह के टाइम में सिलेंडर पे बनाना होता है। शाम को तो आती है सालन मक्खन बनता है और रोटी नहीं बनती जो सिलेंडर पे बनानी होती है। तो मैंने कहा वो जितनी देर तक आ जाएंगे अरबी का पढ़ने, अपने दोनों तक बैठेंगे बना लें, क्योंकि हमारा देसी घी तो ख़त्म हो गया ना, तो ये तो पराठे ही खाते होंगे। देसी घी का पैदा भी बहुत है लेकिन दाल टाइप खाना के लिए मजबूरी है, क्योंकि इससे ताकत तो मिलती नहीं है, बस ये इससे ना गले ख़राब हो जाते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, लाइक और शेयर कर दें। जिस तरह आपने सबको सपोर्ट किया आप मुझे भी जैसे सपोर्ट करें। जैसा कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में तो आपको पता है कि जितने कपड़े हों उतने ही कम हैं, तो हमने जाना है थोड़े दिनों तक, अगर पैसे मिलते हैं तो गर्मी सर्दियों के कपड़े लेने हैं। फिर गर्मियों में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में तो
जस्तियाँ हों, सॉक्स हों, टोपी हो, काफ़ी कुछ हो तो ही गुजारा होता है। जैसे सर्दी बहुत, अगर ठंड लग जाए तो बहुत मसला होता है, क्योंकि उम्र के कपड़े लेने जाना है, जहन के भी कपड़े लेने जाने हैं, अरहम के भी लेने जाना है, क्योंकि उनके कपड़े थे लेकिन वो छोटे हो गए हैं, उम्र को तो बहुत छोटे हो गए हैं ना, इसकी वजह से हमने लेने जाना है। जब भी जाऊँगी लेने आपको दिखाऊँगी। कुछ लोगों से पैसे लेने थे और कुछ उनके काम ऐसे चल रहे हैं कि अभी नहीं जा पा रहे, लेकिन जब भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। रोटियाँ मेरी बन गई हैं तो मैं आगे बनाने लगी हूँ। मैं आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि सुबह का दिन कैसे मेरा होता है। और वो भी अरबी से पढ़ के आ गई है तो नाश्ता कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मानो वो खा रहे हैं और उधर वो खा रहे हैं और अंडा बन रहा है। अंडा लेती हूँ शाम को, कुछ सर्दी आ गई है ना इस वजह से, तो अंडा देती हूँ सुबह नाश्ते में। नाश्ता मैंने नहीं करवा के अब स्कूल भेजने लगी हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम है 8:15 का और अभी 8 नहीं हुए, तो मैं इन्हें पहले तैयार कर देती हूँ। तो अरहम सो रहा है तो किचन का काम वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने कहा पहले इन्हें तैयार कर लो। चल आ जा जैन, जल्दी आ जा, बालों को कंघी करो, बैग डालो। इधर मुँह करो ना, अपना अपना बैग पकड़ लो। ये देखिए मैंने इन्हें तैयार कर लिया, इधर आ जाओ, इधर ये देखिए जैन, मानो और अरहम स्कूल जा रहे हैं। चलो आपको दिखाती हूँ बाहर।